सर्व सनातन परम भक्तों को मेरा प्रणाम। यहाँ के व्यवस्थापक विशेषकर अध्यक्ष महाराज चुक साहब और इतरत्र सनातन धर्म मंदिर के चालक लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हर बार ऐसी शुभ घड़ी मेरे लिए बड़ी आनंददायी अत्यंत मधुर ऐसी बहुत ही सुंदर याद प्रतिबिंबित इस मंदिर में हो जाती है। सबसे बड़ी वजह यह है कि इससे पहले जितने भी महान लोग हो गए, अवतार हो गए, उनको किसी ने कभी समझा नहीं था। आपने सुना होगा कि ज्ञानेश्वर जी मंदिरों में जाते थे तो उनको मंदिरों में आना मना, नामदेव जी को मंदिरों में जाना मना था, जनाबाई को मंदिरों में जाना मना था। इसी प्रकार जहाँ जहाँ बड़े संत लोग हुए, मंदिर के दरवाजे उनके लिए हमेशा पता नहीं क्यों बंद रहते थे। लेकिन आज की इस आधुनिक स्थिति में ये बड़ी विशेष बात मुझे लगती है कि हमारे मंदिरों के जो संस्थापक तथा चालक है वो सत्य को पहचानते हैं और वो सत्य को समझते हैं। ये आपका परम भाग्य, क्योंकि ऐसे घर मंदिर होते कि जहाँ स्वयं ही किसी साधु संतों को आना मना हो जाए तो फिर ऐसे मंदिरों में वही लोग आकर जम जाते जिनको सिर्फ रुपया पैसा बनाना। इसलिए जहाँ मनुष्य की बुद्धि इतनी खुल जाए कि वो सत्य को पहचाने वहाँ हमारे जैसे लोगों को कितना आनंद होता होगा ये आप समझ सकते हैं। अनादि काल से यह जो सनातन धर्म है इसको बहुत लोगों ने विकृत भी करने की कोशिश की, लेकिन आज सिद्ध होता है जब मैं इस मंदिर में आती हूँ कि सनातन अभी तक सनातन बना हुआ है। जो कुछ बेकार था सो झड़ गया, जो गलतियाँ थी सो खत्म हो गई और ये दशा पे आ गया कि फिर से उसने पहचानना शुरू कर। सबसे ज़्यादा सनातन धर्म वालों ने पहचाना है। और अगर आप हमें कहीं कहें कि जाकर हम भाषण दें तो बहुत मुश्किल हो जाए, लोग पहचानेंगे। इस वजह से इस मंदिर में आते हुए मुझे अत्यानंद। थोड़ी देर अंग्रेजी में बोलकर फिर कुंडलिनी के बारे में आपको मैं हिंदी भाषा बताऊँ। आत्मा के बारे में अगर कोई भी बात करता है इस आज कल की दुनिया में तो लोग सोचते हैं कि एक मनोरंजन का साधन है, इससे सिर्फ मनोरंजन हो सकता है। परमात्मा की को नाम की कोई चीज़ तो हो नहीं सकती, सिर्फ मनोरंजन मात्र के लिए ठीक है। अब बूढ़े हो गए हमारे बाबा दादी तो ठीक है, मंदिर में जा कर बैठें और अपने समय बिताएं, एक अच्छा तरीका है। घर में बैठ के बहू को सताने से अच्छा है कि मंदिरों में जाए। इससे ज़्यादा मंदिर का कोई अर्थ अपने यहाँ आजकल के ज़माने में लोग लगा रहे हैं। ये जो मंदिर में भगवान बैठे हैं इनका भी उपयोग यही लोग समझते हैं कि इनको जाके अपना दुखड़ा बताएं, ये तकलीफ है वो तकलीफ है और वो सब ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन ये मंदिर क्या है, इसके अंदर बैठे हुए भगवान क्या हैं, उनका हमारा क्या संबंध है और उनसे कैसे जोड़ना चाहिए संबंध, आदि चीज़ों के बारे में अभी भी बहुत बातें गुप्त हैं। और ये बातें
अनादि काल से होती आई हैं। आपको मालूम है कि इंद्र को तक आत्म साक्षात्कार देना पड़ा, जो अनादि करते करते ये बातें जब छठी सदी में सबसे बड़े हिंदू धर्म के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य संसार में आए, तब उन्होंने खुली तौर से बातचीत शुरू कर, नहीं तो अपने एक भक्ति मार्ग था और एक वेदों का तरीका था जिससे कि गायत्री मंत्र आदि कर। जब जब कभी भक्ति में लोग बिल्कुल बेकार चले जाते थे तो उनको खींचने के लिए ऐसे लोग आते थे कि जो कहते थे छोड़िए भक्ति और अपना चित्त हटा करके और निराकार, क्योंकि साकार में बिल्कुल बह चले जा रहे। और जब निराकार में बहुत बहकते थे तो उनसे कहने आते थे कि बाबा निराकार से कुछ फायदा नहीं होता, चलो साकार। लेकिन वो इधर से उधर जैसे कोई पेंडुलम चलता है ऐसे इंसान चलता रहा। और इसीलिए इन दोनों चीज़ों से आदमी ये समझ गया कि इसमें भक्ति भी है और निराकार भी, ओंकार भी है और कृष्ण भी है, उसके बगैर हिसाब किताब बन नहीं सकता। सहयोग में आप दोनों के दर्शन पाते हैं, ब्रह्म के भी दर्शन पाते हैं और इन सब देवताओं के भी दर्शन पाते हैं। ब्रह्म की शक्ति जो है यह परमात्मा की प्रेम की शक्ति है जो चारों तरफ विचरण करती है। और जितने भी जीवित कार्य संसार के हैं, जैसे एक फूल से फल बनाना आदि, जितने भी जीवित कार्य हैं वो करती है। हमारे अंदर भी वो कार्य करती है जिसे हम पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसमें वो विचरण करके और कार्य करती है। ये तो ब्रह्म की शक्ति है। और इस शक्ति को जानने के लिए हमारे अंदर जो यंत्रणा परमात्मा ने की है, जो व्यवस्था परमात्मा ने की है, वो बहुत कमाल है। और इस यंत्रणा को करने के लिए उन्होंने हमारे उत्क्रांति में हमारे शरीर ही के अंदर अलग अलग देवताएं बिठाई। इन बच्चों को अलग अलग देवता बिठाए। सबसे पहले तो श्री गणेश बना। श्री गणेश पवित्रता, सारे संसार को पहले पवित्रता से भर दिया। निराकार में गए तो वो पवित्रता से भर दिया, और साकार में कहें तो श्री गणेश बना। बातें जैसे ये अब आप देख रहे हैं जो जल रही है, इसका प्रकाश चारों तरफ है लेकिन इसकी ज्योत भी है और प्रकाश भी। इसी प्रकार जो सबसे पहले चीज बनाई वो श्री गणेश बनाए, जिनका प्रकाश जो चारों तरफ फैला हुआ है जो ब्रह्मशक्ति। अब किसी ने अगर गणेश जी को पकड़ लिया तो भी गलत होगा, और किसी ने अगर प्रकाश को पकड़ लिया वो भी गलत हो गया। क्योंकि जैसे मैंने पहले मर्तबा बताया था कि पहले तो उन्होंने बात की कि कौन से फूल हैं, और फूल के अंदर शहद है, तो लोग फूलों से चिपक गए कि फूलों को खोजो, बकना शुरू हो गया सब, मतलब जबानी जमा खर्चे, शब्द जालम, बस बातें करना शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये फूल खोजने वाले जो हैं तो पगला गए, फूलों की पूजा, फूलों के पीछे दौड़ना और शहद की बात ही नहीं करते। तो फिर उनका चलो भाई शहद की बात शुरू, सब जितने बड़े बड़े हो गए हैं वो हमारी भलाई के लिए ही एक में से निकाल के दूसरे में से निकाल के इसमें ऐसा करके किसी तरह से अकल डाल दो। कभी निराकार की बात करो, अलख निरंजन की बात करो, अलख जो दिखाई दे, वो उन्होंने बातचीत शुरू कर दी, पर वो भी बातचीत हो गई। शहद की भी बात करो और मधु की भी बात करो तो भी मधु पाइएगा कैसे? तो क्या होना चाहिए? आपको मधुकर होना चाहिए, आपको स्वयं
बदलना पड़ेगा। आप में आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, ये सब धर्मों में कहा गया है, क्योंकि अदल बदल करने से थोड़ा दिमाग आदमी का ठनकता है, सोचता है कि चलो ये गलत चीज़ थी, दूसरी चीज़ पकड़। लेकिन सबने एक बात कही, चाहे कितना भी अदलो बदलो, लेकिन चीज़ है आपका आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। किसने नहीं कहा? ईसा मसीह ने कहा कि तुम्हारा फिर से जन्म होना चाहिए। हिंदू धर्म में तो बिल्कुल ही मानी हुई चीज़ है कि वही जाए तो सा दिजाए, जो जिसका दूसरा जन्म होता है वही ब्राह्मण होता है, वही ब्रह्मों को जानता है, साफ साफ कहा हुआ। उसके तौर तरीके गलत लगाने से नहीं, पर सही बात में तो यही कहा। नानक साहब ने कहा कि अपने में खोजो, आपे को पहचाने बगैर आप परमात्मा को नहीं जान सकते, आत्मा को पाओ, उन्होंने यही कहा। अब सब ने यही रट लगा के रखी है कि भाई आत्मा को पाओ, फिर से जन्म करो। ईसा मसीह ने कहा वही बात, मोहम्मद साहब ने कहा है कि आपको पीर होना पड़ेगा। सबने जब एक ही बात कही है तो उधर ध्यान देना चाहिए कि सबने इसका अंतिम लक्ष्य एक बताया कि कितने भी चक्कर काटो लेकिन पहुंचना वहाँ, और उसका दिमाग ही जमा खर्च बना रखा है सबने।